Hi, today we are going to learn introduction of database and application. So what is data? It is set of isolated and unrelated raw fact with implicit meaning. It's for example, अगर आपको किसी का name है, that is a data. और कोई image file है, that is also a data. या कोई video और sound file है, that is also a data. So this is a data. और इन्फॉर्मेशन क्या होगा व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म. तो मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म डेटा जो है कब कन्वर्ट होगा, जब जैसे किसी का नेम है, फॉर एग्जांपल एल्बर्ट इज अ बॉय, सो इट इज अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. वेयर एल्बर्ट इज इटसेल्फ अ डेटा, boy is itself a data. Database is a collection of related data from which user can efficiently retrieve desired information. So database में क्या होगा कि जैसे Albert है, आपने Albert की information आपको store करनी है. It is a 25 year old student of CSC branch. So this is ये पूरा collection जो है इसका एक एज ए नोन हो जाएगा डेटाबेस, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन, जैसे 25 ईयर एज किसका है, वो एल्बर्ट का है, और सीएससी ब्रांच में कौन पढ़ रहा है, एल्बर्ट. तो ये रिलेटेड है एक दूसरे से. सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा फ्रॉम विच यूजर कैन एफिशिएंटली रिट्रीव डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए. फॉर अगर आप जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई चीज सर्च करते हैं कि आपको 3000 से 10000 के बीच के शूज चाहिए, तो दैट इज अ रिट्रीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन. Database management system, it is an integrated set of program used to create and maintain a database. तो set of programs जो है, जैसे Oracle आप है, SQL के थ्रू जो है आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं. सो दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपको सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है कि प्रॉपर सिक्योर आपका डेटाबेस है. Storing, defining, retrieving and manipulation of data भी database management system के थ्रू हम perform कर सकते हैं. Database जो system है, that is a collection of database and DBMS softwares. तो DBMS softwares जो भी आप create, maintain और retrieve के लिए use कर सकें, that is DBMS software like Oracle. For example, Oracle आप use करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो एप्लीकेशन क्या है, जैसे एयरलाइंस एंड रेलवे में आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं. तो एयरलाइंस और आप IRCTC के थ्रू जैसे टिकट बुकिंग करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका डेटा स्टोर होता है. और बैंकिंग में बैंक यूज डेटाबेस फॉर कस्टमर इंक्वायरी, अकाउंट, लोन एंड अदर ट्रांजेक्शन. कॉलेजेस और स्कूल्स में भी, एजुकेशन सेक्टर में जो है आप DBMS यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और फैकल्टी इंफॉर्मेशन. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन का पूरा डिटेल जो है एक डेटाबेस में स्टोर होता है. देयर ऑल्सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ DBMS. टेली कम्युनिकेशन में जैसे कॉल आपने ट्रांसफर की, कॉल कब ड्रॉप हुई है, कॉल की बिलिंग्स जो है, दैट इज आल्सो अंडर डेटाबेस. ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स की जो साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उसमें आप डेटा जैसे रिट्रीव करते हैं, या फिर कोई अपना एड्रेस और इस तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, अपना नेम, तो दैट इज अ डेटाबेस. हेल्थ केयर में आप डेटाबेस यूज कर सकते हैं. सो हेल्थ केयर में आप मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन की इंफॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं, या आपके डिसीज बेस्ड मेडिसिन हैं, उनकी बिलिंग्स, तो इस हेल्थ केयर सेक्टर में भी डेटाबेस यूज होता है. सेल्स एंड डिजिटल लाइब्रेरीज, अगर कॉलेजेस में डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, तो आप किसी कंप्यूटर के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि किस रैक में कौन सा बुक जो है रखा हुआ है, और कोई ई बुक है तो उसको आप एक्सेस भी कर सकते हैं. सो दैट आर द डिजिटल लाइब्रेरीज. ऐसे ह्यूमन रिसोर्स में भी आप डेटाबेस यूज कर सकते हैं. तो आपकी जनरल लाइफ में
अगर आप देखें तो लगभग हर जगह आप डेटाबेस यूज कर सकते हैं। इवन चाहे वो आप वेजिटेबल परचेस करने जाएं और उसके पास सारा डेटा स्टोर हो, तो दैट इज अ डेटाबेस। थैंक यू।